जय हिंद दोस्तों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ में कल से शुरू हो रहे आईआरटी के सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं, और हम ये आशा करते हैं कि आप बहुत ही बेहतर मीन्स अच्छा प्रदर्शन इस सेमेस्टर एग्जामिनेशन में करेंगे। हालांकि हम लोग पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं, आईआरटी का ही पेपर सॉल्यूशन और उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक का पेपर सॉल्यूशन, और एक जो आज के जो टॉपिक है ये आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर आधारित है। आप ये नहीं समझेंगे, सिंपल सा कोई एक रॉड है जिसपे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं और उसके कारण इसकी लंबाई में वृद्धि निकालना है, लंबाई में परिवर्तन निकालना है, इलॉन्गेशन निकालना है, तो हम लोग उसी प्रकार से करेंगे। और ये भी कहीं से लिया नहीं गया है, ये सेमेस्टर एग्जामिनेशन का जो हमारे पास कई सालों का पेपर है उसी से क्वेश्चन आपके सामने ये बना गया है, और इसीलिए हमने 2-4 साल के कम से कम क्वेश्चन को रख देते हैं ताकि आपको वेरिएशन पता चल जाए कि क्वेश्चन किस किस तरह से पूछे जाते हैं, और एक दो क्वेश्चन यदि बेहतर तरीके से समझ लेंगे तो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएगा तो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन यदि आएगा तो आराम से आप कर लेंगे। तो बिल्कुल हम लोग फिर आगे सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, पहला क्वेश्चन में देखिए कुछ इस प्रकार का कोई एक बार है जिसपे 1000 यहाँ पर लोड लगा है, बाकी बीच बीच में किसी प्रकार का कोई लोड नहीं लगा है। अच्छा, दूसरे क्वेश्चन में देखिए एक भाग, दो भाग, तीन भाग है, तो यहाँ यहाँ सभी में लोड का वेरिएशन कुछ दिया है। यहाँ पर भी देखेंगे एक भाग, दो भाग, तीन भाग है, इसमें लोड हर जगह का मान दिया गया है। यहाँ वाले भी क्वेश्चन में देखिए कुछ इस प्रकार के लोड दिया गया है। अब हम लोग छोटा सा एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं और उसके बाद हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं। जानते हैं हुक का नियम, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ में कहते हैं स्ट्रेस जो होता है, प्रतिबल जो होता है, प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन, और स्ट्रेस बराबर यदि एक कांस्टेंट आता है और एक स्ट्रेन आता है, स्ट्रेन बराबर होता है लंबाई में परिवर्तन अपान प्रारंभिक लंबाई, और यहाँ पर हम लोग ई इंटू डेल एल अपान एल कर सकते हैं। यहां से हम डेल एल बराबर सिग्मा एल अपान ई कर सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं सिग्मा बराबर पी अपान ए। हालांकि इसमें सिग्मा का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा होता है, क्यों ऐसा लिखा जाता है ये तो आप और भी कॉन्सेप्ट मीन्स लेक्चर अटेंड करेंगे हमारे इस चैनल पर तो पता चल जाएगा। अभी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस फार्मूला दिखाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए पी अपान ए रखेंगे तो ये हो जाएगा पी एल अपान ए। यह एक फार्मूला होता है, मीन्स दिस फार्मूला, मतलब डेल एल बराबर पी एल अपान ए जो एक फार्मूला होता है, इस फार्मूला का उपयोग हम कहां करते हैं, एक समान काट के लिए। एक समान काट मतलब एक ऐसा राड जिसकी लंबाई पर, पूरी लंबाई पर एक काट मिले, दैट इज प्रिज्मेटिक बार। प्रिज्मेटिक बार, प्रिज्मेटिक बार साथ में प्योर एक्सियल, प्योर एक्सियल, प्योर एक्सियल का मतलब अच्छी भार, अच्छी भार, मतलब यह फार्मूला तभी अप्लीकेबल करेगा जब हमारे किसी भी राड पर प्योर एक्सियल होने के साथ साथ वह राड एक समान काट वाला हो। एक समान काट का मतलब जितनी बड़ी लंबाई राड का है उन सभी लंबाई पर एक काट प्राप्त हो, मींस एक सेक्शन प्राप्त हो, चाहे जहां से काटेंगे एरिया समान मिलेगा। अब हम लोग पहला कंडीशन देखते हैं, हमारे पास कह रहा है ये ऐसा लोड लग रहा है, इस पूरी राड की लंबाई में परिवर्तन निकालो, और इस पे बहुत सारे लोड लग रहे हैं, लंबाई में परिवर्तन निकालो, हमारे पास फार्मूला है पीएल अपान ए। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि पीएल अपान ए क्या डायरेक्ट रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे, अभी हम लोग नहीं जानते हैं, बस इतना जानेंगे। यहाँ पर भी बहुत सारे लोड अपना लगाया है और कह रहा है कि पूरी जो लंबाई है काट की लंबाई, उसकी लंबाई में परिवर्तन निकालो, हो सकता है कि उसकी लंबाई कम हो सकती है या तो वृद्धि हो सकती है, तो कुल मिलाकर के आपको डेल एल निकालना होगा। यदि डेल एल का मान पॉजिटिव आता है तो कहेंगे लंबाई बढ़ेगा, यदि डेल एल का मान कम होता है तो कहेंगे घटेगा। हम लोग अभी अभी भी कुछ नहीं जानते हैं, बस इतना जानते हैं कि हम डेल एल फार्मूला पी एल अपान ए लगाएंगे, लेकिन कैसे लगाएंगे अभी आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर भी सेम उसी प्रकार से बहुत सारे लोड दिया है और आपको डेल एल की वैल्यू कैलकुलेट करना है, सिंपल सा। अब हम ये देखते हैं तीनों काट में देखते हैं, इसकी एरिया हर जगह समान है, यह एक प्रकार का प्रिज्मेटिक बार है, इसकी एरिया हर जगह समान है, ये भी प्रिज्मेटिक बार है, इसकी भी एरिया एक समान है, प्रिज्मेटिक बार है, इसकी भी एरिया एक जब ये समान है, मतलब यहाँ पर भी एरिया इसका क्या है, समान है, और क्यों समान है यदि हम लोग को बनाने में दिक्कत है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक एरिया दिया है इसलिए इसको हम लोग प्रिज्मेटिक माने हैं। तो सबकी एरिया समान है, मतलब पहला कंडीशन फुलफिल कर दिया कि ये फार्मूला को हम डायरेक्टली
यहाँ लगा सकते हैं। लेकिन दूसरा कंडीशन कह रहा है प्योर एक्सियल। प्योर एक्सियल का मतलब होता है कोई भी रॉड है, जैसे इस रॉड पर हम P फोर्स लगा रहे हैं और कहीं भी हम काटेंगे मान लीजिए सेक्शन पर, तो एज्यूम करेंगे कि भैया यहाँ पर भी एक प्रकार का पी फोर्स लग रहा होगा, मतलब प्रत्येक सेक्शन पर पी फोर्स लग रहा होगा। तो आप समझेंगे कि इसके जितने इनफाइनाइट काट होंगे उन सभी काट पर पी फोर्स टेंसाइल डायरेक्शन में लग रहे होंगे। तो जाहिर सी बात है यह जो पी फोर्स लग रहा होगा इस बार पर, यह एक प्योर एक्सियल है, अच्छी भार। जैसे हम इस मार्कर को हम ऐसे खींच रहे हैं, तो खींच रहे हैं तो आप समझ रहे हैं कि इसके प्रत्येक काट पर वही खिंचाव बल पी लग रहा होगा, तो इसको हम बोलते हैं प्योर एक्सियल। लेकिन आप बताइए ये बड़ा सा राड है और बड़े से राड को हम दबा रहे हैं, देख रहे हैं इसको हम दबा रहे हैं, ठीक है हम दबा रहे हैं। तो चलो ठीक है, यह एक प्रकार का प्योर एक्सियल है, यह एक प्रकार का प्रिज्मेटिक है, लेकिन इसकी लंबाई यदि अलग अलग है तो हम लोग को लंबाई आपका अलग अलग करके जोड़ देना है। डायरेक्टली फार्मूला लगा देंगे, जितनी लंबाई है उतनी लंबाई को इक्वेट करके जोड़ सकते हैं, मीन्स इसको इसमें हम डायरेक्ट इस फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। लंबाई का मान कितना रखेंगे, 132, ये डायरेक्ट हो जाएगा। अच्छा इसमें आते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं, इसमें आते हैं, इसमें देखेंगे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक पता नहीं चल रहा, इधर 10 किलोमीटर में इधर 50 है, बीच में कुछ और लग गया है, तो हम पूरे काट के लिए फार्मूला अप्लीकेबल नहीं कर सकते, हमको प्योर एक्सियल निकालना पड़ेगा। मतलब एक एक भाग में देखेंगे कि इस पे अच्छी भार कितना लग रहा है, मतलब यहाँ इस काट के लिए प्योर एक्सियल निकालेंगे, मतलब अच्छी भार निकालेंगे, इस काट के लिए अच्छी भार निकालेंगे, और वो कैसे निकालेंगे हम लोग एक बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे। मतलब इसमें जब निकल जाएगा एक एक काट को, तो ये वाला फार्मूला रेजिमेटिक है ही, और प्योर एक्सियल निकालेंगे, दिस फार्मूला हम लोग इसके लिए लगा देंगे, फिर ये वाला फार्मूला इसके लिए लगाएंगे, फिर ये वाला फार्मूला इसके लिए लगाएंगे, सभी का हम एल्जेब्रिक सम कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। सिमिलरली फिर इसी प्रकार से देखेंगे यहाँ पर, इसको हम प्योर एक्सियल के तौर पर इसको बनाएंगे, इसको प्योर, यहाँ पी नहीं दिया तो पहले पी की वैल्यू डिटरमाइन कर लेंगे, इसको डिटरमाइन हो जाएगा तो प्योर एक्सियल बनाएंगे, इसको बनाएंगे, इसको बनाएंगे, फिर हम लोग एक एक भाग में फार्मूला लगाएंगे, सभी में एक पूरे इकट्ठा नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि इस फार्मूला में प्रिज्मेटिक मतलब एक समान काट तो है लेकिन अच्छी भार नहीं है, इसलिए हम पहले देखेंगे कि हमारा कहां तक अच्छी भार लग रहा है, वहीं तक इस फार्मूले को लगाएंगे। यहां पर भी उसी प्रकार से देखिए वही है। तो यदि हम एक ठो यानी यही दोनों यदि हम अच्छे से समझ लें तो हमको ये वाला कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये वाला फार्मूला मतलब हर कुछ सेम है, ये वाला डायरेक्टली लगा देंगे, इसमें तो कुछ दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट रख देंगे पीएल अपान एई, एल का मान पूरा जोड़ देंगे, और ई का मान यदि अलग अलग, देखो ई का मान अलग अलग है तो आप ई का मान भी अलग अलग रख देंगे, तो P1, L1, A1, E1 सब कुछ अलग अलग करके जोड़ देंगे। तो यही काम हम हर में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये लंबाई अलग अलग है, यहाँ पर E1, E2, E3 भी अलग अलग है, तो हम लोग देख लेते हैं आगे। तो एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, पहले पेरिजमेटिक तो है ही, प्योर एक्सियल बनाते हैं इसके लिए। चलिए देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, दोनों क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये 6000 का न्यूटन का लोड लग रहा था, इधर की तरफ 6000 केजी लग रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, 6000 केजी लग रहा था, हम लोड बता करके इसको भी मिटाएंगे नहीं, क्योंकि लोड लग जाएगा तो सेम हम लोग का एक ही न्यूमेरिकल पूरे न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर देगा। चलिए तो इसको भी हम थोड़ा सा लोड पहले दिखा दे कि यदि बीच में कभी लोड आपका एक ना दिया हो तो क्या करते हैं। पहले कहेंगे इधर की तरफ यदि ये संतुलन में है तो संतुलन में होने के लिए हॉरिजॉन्टल फोर्स का मान जीरो होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल फोर्स का मान जीरो होना चाहिए तभी संतुलन में रहेगा, वरना एक तरफ ही जाता रहेगा। संतुलन में रहेगा तो इधर की तरफ जो बल है सिग्मा एच, इस तरफ बल बराबर सिग्मा एच, इधर की तरफ बल आप लगा लेंगे, जैसे इधर हमारा 6000 केजी है, ठीक है, एक बल है, दूसरा बल है इधर की तरफ 100 लग रहा है, 100 1000 केजी, अच्छा 6000 केजी 1000 केजी जोड़ देंगे, बराबर इधर कितना लग रहा है, P प्लस 4000 लग रहा है, तो 4000 केजी कर दिए, ठीक है ना। अब क्या है 6 7000 केजी माइनस 4000 केजी और बराबर पी, तो 4 3 7 3000 केजी, पी का मान 3000 केजी आ गया। अब बताओ जी यहाँ पर 3000 केजी आ गया पी का मान, हम लोग ऐसे निकाल लिए तो ए वाला और ए वाला दोनों ही एक जैसा हो गया, कोई एरिया यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 1000 mm² है,
ई का मान यहाँ पर 2 × 10⁶ है, यहाँ पर 100 × 10⁶ है, तो कोई इन दोनों में भी कोई परिवर्तन नहीं है। यदि जैसे यहाँ क्वेश्चन लगेगा, यदि पी का मान यहाँ पर 3000 हम लोग निकाल लिए, उसी तरह इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। अब बड़े ध्यान से ये क्वेश्चन को बेहतरीन इतना ही कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे कि इससे रिलेटेड और भी 10-15 जितने क्वेश्चन हो आराम से आप कर ले जाएंगे, बिल्कुल कोई प्रकार का दिक्कत नहीं। इसको भी हम लोग मिटाएंगे और एक क्वेश्चन अब हम अच्छे से क्लियरिफाइड रूप में इसको सॉल्यूशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ द कैसियो के साथ, मतलब न्यूमेरिकल कैसियो के साथ हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला हम इसको बैलेंस चेक करेंगे, देखेंगे कि इधर 50 है इधर 20 है, तो 5 × 2 = 7 इधर हो गया, इधर 50 है फिर इधर 2 है फिर इधर भी 10 है, 2 × 1 = 3 × 5 = 3 = 8 इधर की तरफ लग रहा है 8 = 80 और इधर भी 80, मतलब यह संतुलन में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या पूछा गया है कि लंबाई में परिवर्तन डेरियल का मान ज्ञात करो जबकि उस पदार्थ का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब प्रत्यास्थता गुणांक 1000 × 10³ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर हो जाएगा, एरिया आपका 1000 mm² होगा। तो हम लोग इसके नाम दे देते हैं, क्या दे देते हैं, कभी भी नाम दे देते हैं, जैसे यह ए बी है और ये सी डी है बीच में। तो अब हम पोर्शन वाइज काम करते हैं, हमको क्या निकालना पड़ेगा, अब हमको निकालना पड़ेगा डेलियल ए बी में क्या परिवर्तन। तो डेलियल ए बी में परिवर्तन का मतलब हमको किस प्रकार से निकालना होगा, जैसे यहाँ पर हमको निकालना है डेल यल ए बी में, तो डेलियल ए बी का मान कितना होगा, तो कहेंगे डेलियल ए सी होगा प्लस डेलियल सी डी होगा प्लस डेलियल और ये डी डी होगा। डेलियल का मान आप जानते हैं, डेलियल बराबर पी एल अपान ए, ठीक है, और यहाँ पर रखते हैं पी एल अपान ए किस में रखेंगे, ए सी वाले पोर्शन में, फिर पी एल अपान ए किस में रखेंगे, सी डी वाले पोर्शन में, फिर पी एल अपान ए किस में रखेंगे, फिर डी डी वाले पोर्शन में रख दिया जाएगा। अब आप देखेंगे कि क्या सभी के लिए ई ई का मान समान है, तो हम कहेंगे सभी के लिए जब ई ई का मान समान है तो ई कॉमन लेंगे। क्या सभी का एरिया समान है, क्या वो प्रिज्मेटिक है, तो हम लोग ए ए को भी कॉमन लेंगे, मतलब ए ई ए ई दो ए सब क्या है, कांस्टेंट है। क्या लंबाई सभी का समान है, नहीं, तो लंबाई नहीं लेंगे, मतलब हम टोटल अब क्या कर देंगे, ए ई कॉमन ले लेते हैं, बचेगा पी एल ए सी में, फिर पी एल सी डी, पी एल पोर्शन किस में, बी डी में। अब जो वैल्यू आएगा, मतलब यहां पर हमको देखना पड़ेगा 1/a पी ए सी की वैल्यू निकालना पड़ेगा इंटू एल वन, एल वन यदि एल वन का मान यहाँ पर दे रख, यहाँ पर हम लोग एज्यूम कर दे कि एल वन बराबर 0.6, एल टू बराबर 1.0, एल थ्री बराबर 1.2, मतलब पोर्शन ए सी पोर्शन बी सी, तो यहाँ पर हम लोग को पहला इसमें पोर्शन में जो मिलेगा वो 0.6 प्लस पी सी डी 1.01 और पी बी डी इंटू 1.2। अब आपको किसकी वैल्यू निकालना होगा, पी ए सी पी सी डी पी बी डी, इसको कैसे निकालेंगे, किसी प्रकार का कितना भी कॉम्प्लेक्स यदि इस प्रकार के न्यूमेरिकल आएगा, आप एक रूल याद रखना, हम इसको नीचे लाएंगे, किसको, एसी पोर्शन को हम नीचे ला दिए नीचे ला दिया गया, एसी पोर्शन को नीचे लाने के बाद इसको हम काट देंगे, बीचों बीच काटेंगे तो यह पूरा फिगर दो भागों में डिवाइड हो जाता है। इस पहले इस फिगर का इधर जो कहलाता है इसको राइट हैंड साइड कहलाता है और इधर हमारा लेफ्ट हैंड साइड कहलाता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो बल आ रहा है उसको लिख दीजिए 50 kN, राइट हैंड साइड में जो भी बल लग रहा है इसके इधर जो भी बल लग रहा है उसको पहले लिख दीजिए 80 है 20 है और 10 है, ठीक है। अब देखिए जो बल काट से दूर जाए उसको पॉजिटिव लिख लेते हैं कहीं, मतलब जो बल काट से दूर जाए, क्या जाए, मतलब जो बल काट से, जैसे ये सेक्शन है और ये यदि दूर जा रहा है तो इसको पॉजिटिव और इस सेक्शन के पास आ रहा है तो निगेटिव, यानी कोई बल यदि बल जो है फोर्स
कोर्स है वो सेक्शन से दूर जा रहा है तो पॉजिटिव, 80 दूर जा रहा है, देखो ये सेक्शन से दूर जा रहा है पॉजिटिव, 20 नजदीक आ रहा है सेक्शन के नेगेटिव, ये वाला भी नजदीक आ रहा है नेगेटिव, अब सभी को जोड़ देंगे ये 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 बराबर 50, लेकिन प्लस में तो प्लस में, यहाँ भी हमारा सेक्शन से दूर जाने वाले को प्लस, दोनों तरफ प्लस 50 प्लस 50, इसलिए यहाँ पर हम बाहर की तरफ वाला इंडिकेट लगाएंगे टेंसाइल में, और यहाँ पर लिख देंगे PAC बराबर प्लस 50 किलो न्यूटन, पहला निकल गया। दूसरे वाले के लिए हम लोग फिर से इस काट को यहाँ नीचे लाएंगे, और नीचे लाने के बाद जितने इधर बल लग रहे हैं बाएं तरफ जितने बल लग रहे हैं उसको लिख लो, एक 80 लग रहा होगा दूसरा 50, दाहिने तरफ भी जो लग रहा होगा 20 और 10 का। अब देखें जो दूर जा रहा है उसको प्लस और जो पास आ रहा है उसको माइनस, यहां रखेंगे तो 80 क्या आ रहा है काट से नजदीक आ रहा है माइनस, अब देखो काट से 20 क्या आ रहा है नजदीक आ रहा है, 10 भी नजदीक आ रहा है, बराबर कितना होगा माइनस 30 किलो न्यूटन, और यहां पर यदि घटाएंगे तो माइनस 30 किलो न्यूटन, माइनस माइनस है इसलिए साइन हम इसको अंदर की तरफ लगाएंगे, और यहां से हम लिखेंगे PCD बराबर माइनस 30 किलो न्यूटन, दो तो फाइनल हो गया। तीसरे में हम लोग फिर इसको लाएंगे नीचे, नीचे लाएंगे और नीचे लाने के बाद ये देखेंगे एकदम ए, यहां पर ये देखेंगे कि ये हमारा ये जिस प्रकार से ये हमारा राइट हैंड साइड था, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड था, ठीक है ना, और यहाँ इसी प्रकार से ये भी हमारा इधर हमारा राइट हैंड साइड है, इधर हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, तो जो हम सेक्शन से जो ये काट के पास आने का प्रयास करेगा, जैसे 10 आने का प्रयास कर रहा है, यहाँ पर माइनस 10 किलोमीटर लिखेंगे, बाकी इधर जितने बल लगा है इसको पहले लिख लीजिए, 50 लगा है, 80 लगा है, 20 लगा है, तो 50 दूर जा रहा है, देखो काट से एक आ रहा है दूर जा रहा है, 80 पास आ रहा है तो 80 में हम क्या लगा देंगे माइनस, 20 भी दूर जा रहा है इसलिए हम इसको क्या लगा देंगे प्लस, तो ये हो जाएगा देखिए 5 2 7 पॉजिटिव में माइनस 70 में से 80 घटेगा माइनस 10 किलो न्यूटन, और आप बताइए माइनस 10 अंदर की तरफ लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे इसका नाम, हम लोग जैसे यहाँ AC लिख रहे थे यहाँ CD लिखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे DB, और यहाँ से DB की वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस 10 किलो न्यूटन। अब हम लोग को यहाँ पर सब वैल्यू को पुट कर देना है, 1/ एरिया का मान दिया है 1000 cm² का स्क्वायर, तो 1000 mm के स्क्वायर, ई का मान दिया है 100 × 10 का दे 3 हो गया फाइनल, PAC की वैल्यू जो दिया है वही रख दो, प्लस 50 है तो 50 × 0.6, प्लस CD की वैल्यू जो दिया है -30 दिया है, यहां पर हम -30 × 1, प्लस माइनस पी इसकी वैल्यू दिया है -10 × 1.2। अब कुछ नहीं करना है, सब कुछ आपका कैसियो लेंगे, एकदम दिमाग नहीं लगाना है अपना, और कैसियो में सब कुछ दबाने बटन दबाते चलेंगे, 0.6 बराबर इतना, ठीक है ना, और उसके बाद इसमें से हम लोग घटाएंगे -30, फिर माइनस ये आ जाएगा इस इतना वैल्यू, और इसके बाद जो आएगा ये जो आएगा सपोज, और उसमें से हम डिवाइड करेंगे, देख रहे हैं ना, डिवाइड करेंगे -30 × 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे जितना आएगा, तो हमने डिवाइड कर दिया और आगे 1000 × 3 ये आ रहा है 1.2, माइनस में आ रहा है तो -1.2 × 10⁻⁷ mm आएगा, क्यों, क्योंकि न्यूटन ये आपका सिंपल सा ऐसे है, देखो ये हमारा न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है, ये आपका एमएम स्क्वायर है, एमएम स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर सिर्फ हमारे पास यहाँ बचेगा न्यूटन, यहाँ पर न्यूटन कट जाएगा, बाकी 1 mm बचेगा, -1.6 या इसको ऐसे लिख दीजिए 0.12 × 10⁻⁶ mm, तो आंसर चाहे जैसे लगे हम लोग इसी प्रकार से आप देख लेना कैसे में सॉल्व करेंगे।
ओवरऑल ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इतना है, हम लोग का फार्मूला पीएल अपान ए में ही लगेगा। ये फार्मूला डीएल बराबर क्या होता है, पीएल अपान ए ही होता है, लेकिन ये फार्मूला सिर्फ और सिर्फ वही वैलिड होगा जहां पर उस काट में पूरी लंबाई पर एक लोड लगे, दूसरी पूरी लंबाई पर काट समान हो, मतलब उसका सेक्शन समान हो। तो सेक्शन तो इसका इसका सभी का समान है, लेकिन हमको पूरी की दशा में अभी पता नहीं चल रहा, देख रहे हो ना, पता नहीं चल रहा था कि इसकी लंबाई में कमी होगी या ज्यादा होगा। लेकिन एक्चुअल में हमने डेलियल की वैल्यू लगाया कि डेलियल एबी की वैल्यू एक्चुअल में क्या आएगा, तो इसकी लंबाई में परिवर्तन निगेटिव आ रहा था। और लंबाई में परिवर्तन बराबर जानते क्या होता है, चेंज इन लेंथ बराबर होता है फाइनल फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, फाइनल लेंथ माइनस एल फाइनल माइनस एल इनिशियल। और आप जानते हैं कि डेलियल का मान निगेटिव तभी आएगा जब हमारे पास एल फाइनल का मान लेस देन होगा एल इनिशियल से। जब हमारे एल इनिशियल का मान ज्यादा होगा तब उसकी वैल्यू निगेटिव, मतलब इस केस में जो आएगा डेलियल वो आपका निगेटिव आएगा। यदि एल फाइनल का मान बड़ा होता है तो डेलियल हमारा पॉजिटिव आएगा, इसकी लंबाई मतलब घटेगा, डिक्रीज लेंथ, डिक्रीज लेंथ मतलब डिक्रीज करेगा, और इस केस में आपका लेंथ इंक्रीज करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन यदि आएगा तो आप बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं, बड़े ही आराम से धीरे धीरे कैसियो का काम है। देखो हो सकता है इतना आंसर आप लोग का ना आए, जैसे जैसे एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा, हालांकि सही ही होगा तो भी, लेकिन मेन जो हम लोग लगाएंगे फार्मूला वो इस प्रकार से। यदि इसमें मान लो एरिया अलग अलग हो जाता, ध्यान दीजिए इसमें एरिया आपका थोड़ा सा बड़ा दे देता, लोड यही रहता, इसका एरिया थोड़ा छोटा दे देता, इसका एरिया ऐसे दे देता, मतलब यह फिगर सपोज ऐसा बन जाता, सेम लोड की कंडीशन में ऐसा बन जाता, ऐसा लोड एकदम यही है, मतलब यह ए है या बी है या सी है, लोड जो अंदर लगने वाला सेम है, बस एरिया आपका बदल जाता। तो आप इस एरिया को कॉमन न लेते, आपको यहाँ लिखना पड़ता है इतना बटे ए1, इतना बटे ए2, इतना अपान ए3, तो जो कैलकुलेशन आता पूरा तब आंसर आता। मान लीजिए कि ई1 का मान हमें अलग अलग देता कि भैया मेटेरियल इस पोर्शन का इतना, इस पोर्शन का इतना, इस पोर्शन, उस केस में ई1 कॉमन न लेते, आपको एकदम पूरा पूरा वैल्यू डिवाइड करके वो निकल जाता। मान लीजिए कि एल का मान समान दे देता तो हम सभी में से यल को भी कॉमन ले लेते और हमारा जो कॉमन आता यल अपान ए ही हो जाता, बस केवल इसको जोड़ना घटाना रहता, आंसर आपका आ जाता। तो ये क्वेश्चन जो था लगभग एक तरीके से इलोंगेशन बेस पर था, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन रहता है, आता है उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक हो चाहे हमारे IIT हो, इन सभी के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये माना जाता है। तो आप बिल्कुल इसको छोड़ेंगे नहीं, सेमेस्टर एग्जामिनेशन भी कल से शुरू हो रहा है सेमेस्टर एग्जाम, और फिर से एक बार आप सभी को शुभकामनाएं, आप बेहतर करेंगे, अच्छे मार्क्स लाएंगे, हम पूरी उम्मीद करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग का पेपर सॉल्यूशन कंटिन्यूअस अपने चैनल पर चलता रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।